बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वरुण गांधी के दबंग बोल, मैं संजय गांधी का लड़का हूँ, मैं इन लोगों से अपने जूते साफ खुलवाता हूँ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं की बयानबाजी जारी है। पूर्वी उत्तरी प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद वरुण गांधी अपनी माँ मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में प्रचार करने पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने वोटरों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि उनके ये बयान गठबंधन प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू के बारे में था। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने कहा कि जनता को भरोसा दिलाते हुए ऐसा बयान दिया कि किसी से न डरे और किसी मोनू और टोनू से डरने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आपके बीच खड़ा हूँ। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आवाज उठाकर आपसे बात करे। वरुण गांधी ने कहा, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ यहाँ। गौरतलब है कि 2014 में वरुण गांधी सुल्तानपुर से जीतकर सांसद बने थे, लेकिन इस बार इस सीट से उनकी माँ मेनका गांधी को टिकट मिला है। बीजेपी ने दोनों की सीट बदल दी है। भदोही में पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा वार, गिनाए चार तरह के राजनीतिक कल्चर। प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दो तीन दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी संस्था भारत में सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले गुनहगार आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही तो असर है। महामिलावटी कह रहे हैं कि देश में चुनाव था, इसलिए मोदी ने मसूद अजहर पर बैन लगवा दिया। हर चीज को चुनाव के चश्मे से देखने की वजह से ही आज कांग्रेस और उसके साथियों की ये हालत हो गई है। पीएम ने ये बात उत्तर प्रदेश के भदोही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आपके दिए एक वोट से भारत और उस ऊंचाई पर पहुंचने में बहुत बड़ी उम्मीद की है। भदोही की साख कालीन से है। यहाँ का हर कालीन व्यापारी साख का मतलब क्या होता है इसको भली भांति समझता है। यदि करिए हजारों करोड़ के घोटाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन, सत्ता के गलियारों के केवल बिचौलियों और दलालों की ही राज चलता है। हर तरह बेमानी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की चर्चा रहती है। आपके इस चौकीदार ने सब कुछ बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में आजादी के चार तरह के राजनीतिक कल्चर चले, जिनमें पहला नामपंथी, दूसरा वामपंथी, तीसरा दम और दमनपंथी और चौथा है जो हम लाए हैं विकासपंथी। नामपंथी जो सिर्फ अपने वंशवादी नेता का नाम जपे, वामपंथी जो विदेशी विचारधारा को भारत पर थोपने की कोशिश करे, दम दमनपंथी जो धन और बाहुबल की ताकत पर सत्ता पर कब्जा करे। हमारा कल्चर है विकास पंथी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों का विकास ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसके लिए दल से भी देश बड़ा है। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।